हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दया साई इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में मार्कशीट तैयार करना। कोई भी स्टूडेंट का मार्कशीट आप कैसे तैयार करेंगे आज आप सीखेंगे। साथ साथ हम मार्कशीट में फार्मूला को भी ऐड कर दिखाएंगे। सम, परसेंट और इफ फार्मूला का यूज करके हम दिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर यहाँ से हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसमें हम स्कूल का नाम टाइप कर देंगे। चलिए हम टाइप कर दें अपना संस्था का नाम आइडियल कंप्यूटर सेंटर और यहाँ पे टाइप करेंगे सेल में सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यहाँ दे देंगे, सीरियल नंबर नीचे 1 और यहाँ पे दे देंगे 2 और दोनों को सेलेक्ट कर यहाँ से कॉर्नर पर प्लस का जब आइकन बनेगा तो क्लिक कर माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करेंगे तो यहाँ से नंबर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देंगे नेम, यहाँ से आप नाम टाइप कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप कर दिए हैं। नेक्स्ट में आपको सब्जेक्ट का नाम टाइप करना, जैसे हम यहाँ पे मैथ लेते हैं, मैथ टाइप कर दिए। नेक्स्ट में हम इंग्लिश टाइप कर दिए। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट सेल में हम इंग्लिश टाइप कर दिए हैं तो साइंस टाइप कर देते हैं। हम तीन सब्जेक्ट लिए हैं, तीनों में हम सभी स्टूडेंट का मार्क हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, कौन कितना सब्जेक्ट में मार्क लाए हैं। चलिए हम सभी सब्जेक्ट में नंबर टाइप कर दिए हैं। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल टाइप करना, सभी को हम टोटल निकालेंगे। टोटल यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। टोटल टाइप कर दिए और टोटल निकालने के लिए आपको फार्मूला का यूज करना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे साथ साथ टोटल वाले भी सेल को सेलेक्ट करना है और एडिटिंग ब्लॉक में ऑटो सम पे टूल्स पे आपको क्लिक करना है तो इसका क्लिक कर जाएगा। इसी तरह से सेकेंड को भी हम करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। अगर कम स्टूडेंट रहेगा तो आप तो निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रहेगा तो इस तरह से आपको नहीं निकालना। तो हम सेकेंड मेथड बताते हैं। सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना, साथ साथ टोटल वाले भी सेल को सेलेक्ट कर लेना और ऑटो सम पर क्लिक करना तो इस तरह से सभी को निकल जाएगा। थर्ड हम दिखाते हैं करके, यहाँ पे आपको इस तरह से एक स्टूडेंट को निकाल लेना है। यहाँ से निकाल के ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो आएगा और यहाँ से सेलेक्ट कर ड्रैग कर लेंगे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर, तो यहाँ से इस तरह से सभी का टोटल निकल जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं परसेंट। परसेंट किस तरह से निकालना है इसमें भी हम फार्मूला टाइप करके निकालते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल टू देना है, टोटल जितना आया है उतना हम मार्क ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। मेरे पास तीन सब्जेक्ट है तो 100 नंबर का है, यहाँ पे 300 हम टाइप कर देंगे। परसेंट निकालने के लिए गुना कर देना है आपको 100 से और यहाँ से इंटर प्रेस करना है। इस तरह से आपका परसेंटेज निकल जाएगा और यहाँ से क्लिक कर आपको यहाँ से ड्रैग कर लेना, ये सभी स्टूडेंट का परसेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट में आपको ग्रेड निकालना है, GRADE ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन को समझना पड़ेगा तभी आप ग्रेड निकालेंगे, नहीं तो ऐसे ग्रेड आपसे नहीं निकलेगा। जैसे इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम लेस देन। इसको अगर एक्सेल में किसी भी स्टूडेंट का अगर 80% से ऊपर आया तो इसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, अगर 80% से नीचे आया तो इसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, और यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल 80 रहे, मतलब कहने का हुआ कि 80 भी रहेगा साथ साथ ऊपर वाले भी काउंट करेगा तो रहेगा तो क्या ग्रेड मिलना चाहिए। नेक्स्ट में है लेस देन और इक्वल 80 रहे, मतलब कहने का हुआ कि 80 भी रहेगा शामिल और साथ साथ 80 से नीचे वाले भी अंक रहेंगे शामिल, तो इसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन है अगर इक्वल 80 रहे तो सिर्फ ए 80 को ही काउंट करेगा और 80 को ही निकालेगा। तो चलिए हम ग्रेड निकाल के आपको दिखाते हैं।
सबसे पहले ग्रेड में आपको इक्वल टू और इफ का फार्मूला लगाना है। इफ हम टाइप यहाँ पे कर दिए, आपको माउस की लेफ्ट बटन से डबल बार क्लिक करना है तो इफ सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कीबोर्ड पर आपको टाइप प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद परसेंटेज को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको ग्रेटर देन और इक्वल देते हैं 80। अगर किसी स्टूडेंट का 80% आया हो तो उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, तो कॉमा देंगे। हम चाहते हैं इसको ए प्लस ग्रेड मिलना चाहिए और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। नेक्स्ट इसी में लगाना है कंडीशन में, फिर से आपको इफ लगा लेना है और लगाने के बाद आपको ये बोले परसेंट को सिलेक्ट करना है और ग्रेटर देन आपको फिर से देना और इक्वल देना। अभी हम चाहते हैं 70, अगर किसी स्टूडेंट का 70% आए तो उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, इसको हम ए सिर्फ देते हैं, ए ग्रेड मिलेगा। नेक्स्ट कॉमा देना है, फिर आपको इफ कर लेना है, इसी तरह से आपको हर बार करना है। सिस्टी टाइप कर दिए हम, कॉमा दे दिए, उसके बाद डबल कोट दे दिए और उसके बाद ए हो गया, उसके बाद हम बी देते हैं, बी ग्रेड इसको मिलना चाहिए, बी ग्रेड टाइप कर दिए। नेक्स्ट है फिर इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे, टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर से परसेंट क्लिक करेंगे और इक्वल देंगे और यहाँ से अब की हम 50 देते हैं, इसको सी ग्रेड मिलना चाहिए, सी ग्रेड दे दें। फिर यहाँ से करेंगे, फिर इफ का फार्मूला टाइप करेंगे, आपको जितना इफ का फार्मूला लगाना है उतना आप लगा सकते हैं। चलिए हम डी तक लगा लिए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट 40 से नीचे लाता है परसेंट तो उसको क्या मिलना चाहिए ग्रेड, तो इसको ले हम एक लास्ट लगा लेते हैं इफ का फार्मूला और लगाने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको हम लेस देने भी देते हैं और इक्वल टू देते हैं, हम अभी देते हैं 39। और इसमें होना चाहिए कि जो स्टूडेंट का 40 से कम परसेंट आप उसको फेल लिखे, चलिए फेल टाइप कर दें। उसके बाद जितने ब्रैकेट अपने ओपन किए हैं उतना ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना होगा, तभी ये फार्मूला काम करेगा। तो चलिए क्लोज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और आपको इंटर प्रेस करना। देखिए ए प्लस ग्रेड आ गया, यहाँ से क्लिक कर ड्रैग कर लेंगे तो सभी का ग्रेड निकल जाएगा। इस प्रकार से ग्रेड फार्मूला आप लगा कर निकाल सकते हैं। यहाँ से सभी नंबर को आप सेलेक्ट कर सभी को सेलेक्ट कर आप सेंटर में भी ला सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर यहाँ सेंटर पर क्लिक करेंगे कर यहाँ से आप बॉर्डर लगाना था तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, साथ साथ इसका कलर भी आपको देना है तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं और यहाँ से कोई भी कलर आपको लगाना है पूरे सेल में तो आप पूरे सेल में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका मार्कशीट तैयार हो गया। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।